गाइस यार बहुत सारे भाइयों लोग का हमारे पास कमेंट आ रहा था कि चार टॉप और दो डुअल बेस के बारे में बताइए जो कि फुल अहूजा का डीजे सेटअप होना चाहिए। इस सेटअप को चलाने के लिए कितने केवीए का जनरेटर लगेगा और साथ ही इसका प्राइस भी बताइएगा। तो गाइस यार आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को अहूजा का कंप्लीट डीजे सेटअप के बारे में बताने वाला हूँ जो कि चार टॉप रहेगा और दो डुअल बेस रहेगा। तो आप लोग को डुअल बेस लेना है तो कितने वाटेज का लेना है, टॉप लेना है तो कितने वाटेज का लेना है, और गाइस आप लोग को टॉप को चलाने के लिए कौन सा एम्पलीफायर सही रहेगा और बेस को चलाने के लिए कौन सा एम्पलीफायर सही रहेगा और इस सेटअप को ऑपरेट करने के लिए कितने केवीए का जनरेटर सही रहेगा, सब कुछ आप लोग को इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। साथ ही गाइस इसका आप लोग को ऑपरेटिंग कनेक्शन भी बताएंगे कि कैसे डीजे सेटअप को ऑपरेट करना है, यानी कौन सा एम्पलीफायर पे टॉप चलाएंगे और कौन सा एम्पलीफायर पे बेस चलाएंगे। साथ ही गाइस आप लोग को इस सेटअप को कंप्लीट करने में कितना आप लोग को प्राइस लगने वाला है आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं PSTJ ब्लॉग नंबर 1। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का जब भी हम वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। दोस्तों इस सेटअप में सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप के बारे में कि कितने वाटेज का टॉप हमको लेना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर अहूजा का PA स्पीकर सिस्टम लिए हैं जिसका मॉडल नंबर आप लोग को SPX1210 देखने को मिलेगा। इसके पावर रेटिंग के बारे में बात करेंगे तो इसका पावर रेटिंग आप लोग को 1000 वाटेज RMX देखने को मिलेगा और इसका पीक वाटेज आप लोग को 2000 वाटेज देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोग को कंपनी का फिटिंग टॉप लेने से यही फायदा होता है कि आपका टॉप 1000 वाटेज का रहेगा। अगर आप लोग इसमें 1200-1500 वाटेज पर भी कभी कंपटीशन में बजिएगा आपका स्पीकर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गाइस ये टॉप बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होता है जो कि आप लोग को 1000 वाटेज में देखने को मिल जाता है। इसके इंपीडेंस के बारे में बात करेंगे तो इसका इंपीडेंस आप लोग को 4 ओम देखने को मिलेगा। इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बारे में बात करेंगे तो आप लोग को 35 से 20,000 हर्ट्ज देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ये बेस्ट है। काफ़ी दूर तक इसका लॉन्ग थ्रो सुनने को मिलेगा और बेस मिड काफ़ी आप लोग को इस टॉप में परफेक्ट सुनने को मिलेगा। इसके नेट वेट के बारे में बात करेंगे तो इसका नेट वेट आप लोग को 69.80 kg देखने को मिलेगा जो कि आप लोग को लगभग 70 kg देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी हैवी वजन वाला टॉप हो जाता है। चलिए गाइस हम बात कर लेते हैं इस टॉप का अप्रोक्स प्राइस कितना देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इस टॉप का अप्रोक्स प्राइस आप लोग को 35,000 से 40,000 के बीच में देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ये बेस्ट है। गाइस आप लोग को इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप लोग 1000 वाटेज का मार्केट में टॉप अलग अलग स्पीकर अलग अलग कैबिनेट लेकर बनवाते हैं तो वहाँ पे आप लोग को इसे प्राइस सस्ता पड़ जाता है। बट गाइस जो कंपनी का फिटिंग टॉप होता है काफ़ी बेहतरीन बजता है और काफ़ी लाइफ टाइम तक इसका यूज होता है, काफ़ी इसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। तो गाइस आप लोग को कंपनी का ही टॉप लेना चाहिए क्योंकि इसका कॉस्टली महंगा पड़ेगा। बट गाइस आप लोग को लाइव प्रोग्राम या डीजे साउंड सिस्टम में काफ़ी नंबर 1 क्वालिटी का साउंड प्रोवाइड कर देगा। गाइस हो सकता है कि आपके मार्केट में इसका प्राइस 2000-1000 ऊपर और नीचे देखने को मिले, या हम इस वीडियो में जो भी प्रोडक्ट बताएं उसका प्राइस आप लोग को ऊपर और नीचे आपके मार्केट या आपके एरिया में देखने को कुछ मिल जाता है तो आप लोग वहाँ पर अपना मैनेज कीजिएगा। गाइस अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर टॉप मेरा कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस सेटअप में हमें बेस भी लेना पड़ेगा ताकि हेवी क्वालिटी का हमें बेस मिले। तो गाइस यहाँ पर अहूजा का PA सबवूफर सिस्टम लिए हैं जिसका मॉडल नंबर आप लोग को SWX2100 देखने को मिल जाएगा। इसके पावर रेटिंग के बारे में बात करेंगे तो इसका पावर रेटिंग आप लोग को 2000 वाटेज RMX देखने को मिल जाएगा। इसके प्रोग्रामिंग वाटेज के बारे में बात करेंगे तो इसका प्रोग्रामिंग आप लोग को 4000 वाटेज देखने को मिल जाता है। इसके इंपीडेंस के बारे में बात करेंगे तो इसका इंपीडेंस आप लोग को 4 ओम देखने को मिल जाएगा। इसके फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स आप लोग को 3600-2000 वाटर्स देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी ये लो फ्रिक्वेंसी वाला बेस है जो कि काफ़ी आप लोग को इसमें हैवी वाइब्रेशन और हैवी पंच थ्रो इसके द्वारा सुनने को मिल जाएगा। अब गाइस हम बात करेंगे इसके अप्रोक्स प्राइस के बारे में कि एक डुअल का अप्रोक्स प्राइस कितना हो जाएगा जो कि कंपनी का फिटिंग अहूजा की तरफ से ये बेस है। तो गाइस इस बेस का अप्रोक्स प्राइस आप लोग को 50,000 से 55,000 रुपया के बीच में देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर हम लोग को इस सेटअप में दो डुअल बेस लेना तो आप लोग इसका प्राइस कैलकुलेट करते चलिएगा। चलिए गाइस यहाँ पर तो मेरा टॉप और बेस कंप्लीट हो गया कि कौन सा मॉडल का हम अहूजा का टॉप लिए हैं और कौन सा मॉडल का यहाँ पर अहूजा का हम बेस लिए हैं। अब गाइस हम बात करेंगे कि इस बेस को और इस टॉप को चलाने के लिए हमें एक हैवी क्वालिटी का एम्पलीफायर लेना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर हम टॉप को चलाने के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का अहूजा की तरफ से एम्पलीफायर लिए हैं जो कि अहूजा का
डुअल चैनल पावर एम्पलीफायर लिए हैं, जिसका मॉडल नंबर आप लोग को LX4500 देखने को मिल जाएगा। इसके पावर आउटपुट के बारे में बात करेंगे तो इसका पावर आउटपुट आप लोग को 8 ओम पे 1000 वाटेज पर चैनल देखने को मिल जाएगा और 4 ओम पे 1550 वाटेज पर चैनल देखने को मिल जाएगा और 2 ओम पे 2250 वाटेज पर चैनल देखने को मिल जाएगा। इसके फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे तो इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स आप लोग को 20 से 20,000 हर्ट्ज़ सुनने को मिलेगा, जो कि टॉप के लिए काफ़ी बेहतरीन एम्पलीफायर है। इसके डंपिंग फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो इसका डंपिंग फैक्टर आप लोग को 400 देखने को मिल जाएगा, जो कि टॉप के लिए काफ़ी बेहतरीन है कि 400 डंपिंग फैक्टर देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी आप लोग को टॉप में हैवी वाइब्रेशन और हैवी मिड बेस वाला टॉप यहाँ पर साउंड क्वालिटी सुनने को मिल जाएगा। इसके नेट वेट के बारे में बात करेंगे तो इसका नेट वेट आप लोग को 36.5 kg देखने को मिलेगा, जो कि इस एम्पलीफायर को कहीं भी ले जाने के लिए 2 आदमी का जरूरत पड़ेगा। चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि इस LX4500 वाट एम्पलीफायर का अप्रोक्स प्राइस कितना देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, इस एम्पलीफायर का अप्रोक्स प्राइस आप लोग को 48,000 से 52,000 के बीच में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इसका प्राइस आप लोग को 2,000-4,000 ऊपर और नीचे देखने को मिल जाए आपके मार्केट या आपके एरिया में, क्योंकि गाइस हर मार्केट और हर एरिया में इसका प्राइस अलग अलग देखने को ऊपर नीचे मिलता है। बहुत सारे भाई लोग नीचे कमेंट कर देते हैं कि आप इसका प्राइस ज़्यादा बता रहे हैं, तो बहुत सारे बोलते हैं कि आप इसका प्राइस बहुत कम बताते हैं। तो भाई साहब, इसका प्राइस आपके मार्केट या आपके एरिया में अलग अलग होता है, तो आप लोग वहाँ पे अपना मैनेज कीजिएगा। गाइस, हम बात करेंगे कि बेस के लिए कौन सा एम्पलीफायर लेने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम बेस के लिए ऊर्जा का एम्पलीफायर यूज नहीं करने वाले, क्योंकि गाइस इसमें आप लोग को डंपिंग फैक्टर कम देखने को मिल जाता है। बट गाइस, यहाँ पर हम बेस के लिए यूज करने वाले हैं एम्पलीफायर NX IDO डुअल चैनल पावर एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप लोग को MT1601 देखने को मिलेगा। बहुत सारे भाई लोग इस एम्पलीफायर के बारे में जानते होंगे कि बेस के लिए काफ़ी बेहतरीन एम्पलीफायर होता है। बहुत सारे डीजे वाले भाई लोग इसी एम्पलीफायर को बेस के लिए पर्सनली यूज करते हैं, जो कि काफ़ी ये बेस्ट क्वालिटी का बेस निकाल कर देता है। गाइस, आप लोग को बता दूँ कि जो NX IDO का MT1601 एम्पलीफायर है या कोई भी इसका सीरीज है, केवल बेस के लिए ही यूज होता है और बेस में काफ़ी इसका नंबर 1 क्वालिटी का परफॉर्मेंस होता है। तो अगर आप लोग ऊर्जा का ही एम्पलीफायर लेना था, आप लोग 6000 वाटेज का ऊर्जा का एम्पलीफायर ले सकते हैं, जो कि काफ़ी आप लोग को फोरम पे 2000 वाटेज दे देगा और 2000 आपका बेस हो रहा है तो उस पर चल जाएगा। बट गाइस, ऊर्जा से काफ़ी ये बेहतरीन है बेस के लिए और काफ़ी आप लोग को ज़्यादा क्वालिटी ई निकाल कर देगा। इसके पावर आउटपुट के बारे में बात करेंगे तो इसका पावर आउटपुट आप लोग को 2 ओम पे 3000 वाटेज पर चैनल देखने को मिल जाएगा और 4 ओम पे 2250 वाटेज पर चैनल देखने को मिलेगा और 8 ओम पे 1750 वाटेज पर चैनल देखने को मिल जाएगा। इसके डंपिंग फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो इसका डंपिंग फैक्टर आप लोग को 1000 देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बेस्ट है। गाइस, यहाँ पर पहले भी आप लोगों को बताया कि जिस एम्पलीफायर का ज़्यादा डंपिंग फैक्टर होता है वो बेस के लिए काफ़ी बेहतरीन होता है। इसके क्लास के बारे में बात करेंगे तो इसका आप लोग को एच क्लास देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग को हैवी बेस इसमें सुनने को मिलेगा, क्योंकि गाइस आप लोग को हैवी बेस के लिए ही इस एम्पलीफायर को बनाया गया है, जो कि इसमें बेस काफ़ी आप लोग को बेस्ट क्वालिटी का नंबर 1 क्वालिटी का निकाल कर देता है और काफ़ी हैवी पंच इसके द्वारा सुनने को मिल जाएगा। गाइस, अब हम बात करेंगे इस एम्पलीफायर का प्रोक्स प्राइस के बारे में। तो इस एम्पलीफायर का प्रोक्स प्राइस आप लोग को 52,000 से 55,000 रुपया बीच में देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है कि आपके मार्केट में इसका भी प्राइस कम और बेसी देखने को मिले, तो आप लोग वहाँ पर अपना मैनेज कीजिएगा। बट गाइस, मेरा सजेशन है कि आप लोग बेस के लिए MT1601 का ही यूज कीजिए, काफ़ी आप लोग को बेस्ट और हैवी वाइब्रेशन सुनने को मिल जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर टॉप भी मेरा कंप्लीट हो गया, बेस भी कंप्लीट हो गया और यहाँ पर बेस को चलाने के लिए एम्पलीफायर भी कंप्लीट हो गया और टॉप को चलाने के लिए भी यहाँ पर मेरा एम्पलीफायर कंप्लीट हो गया। अब गाइस, हम बात करेंगे कि इस सेटअप को ऑपरेट करने के लिए एक हमें बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पर DJ मिक्सर लेना होगा। ऊर्जा का IDO मिक्सर लिए हैं, जिसका मॉडल नंबर आप लोग को A DJ 300 देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का IDO मिक्सर होता है, जिसके अंदर आप लोग को 3 चैनल देखने को मिल जाता है। गाइस, हम बात करेंगे कि इस मिक्सर का प्रोक्स प्राइस कितना देखने को मिलेगा। तो इस मिक्सर का प्रोक्स प्राइस आप लोग को 8,000 से 9,000 देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग इसे डायरेक्ट Amazon से ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं, जिसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से इसे ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। या गाइस, आप लोग NX IDO का MT1601 भी बाई करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप लोग उस एम्पलीफायर को भी ऑनलाइन बाय कर सकते हैं Amazon से और काफी आप लोग को बेस्ट देखने को मिलेगा और ओरिजिनल एम्पलीफायर आप लोग को मिलेगा। अब गाइस, हम बात करेंगे कि इस सेटअप को पूरा करंट ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए
एक हैवी क्वालिटी का हमें यहाँ पर जनरेटर लेना होता है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग को जनरेटर का रिकमेंड करेंगे कि आप लोग 10 KVA का किसी भी ब्रांड का जनरेटर ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को सजेस्ट करेंगे कि विधाता का जनरेटर लीजिए या भारत का जनरेटर लीजिए या आप लोग किर्लोस्कर का जनरेटर लीजिए या कोई और भी ब्रांड का आप लोग जनरेटर ले सकते हैं। बट गाइस आप लोग को 10 KVA का जनरेटर लेना होगा क्योंकि गाइस यहाँ पर आपका डीजे का पूरा वाटेज आप लोग को हो जा रहा है 8 से 9 हज़ार वाटेज हो रहा है। तो गाइस आप लोग को 10 से 12 KVA का जनरेटर लीजिएगा तभी आप लोग को बेस्ट इसमें साउंड क्वालिटी निकाल कर देगा, जनरेटर आप लोग का बिल्कुल ही नहीं दबेगा। तो गाइस यहाँ पर हम बात करेंगे कि जनरेटर का कितना प्राइस हमें लगने वाला है। तो गाइस जनरेटर का प्राइस आप लोग को 80,000 से 85,000 के बीच में देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है कि इसका भी प्राइस आपके मार्केट में ऊपर और नीचे देखने को मिल जाए। अब गाइस बारी आती है कि इस सेटअप को पूरा को कंट्रोल करने के लिए एक हमें स्टेबलाइजर चाहिए। तो गाइस यहाँ पर आप लोग स्टेबलाइजर भी ले सकते हैं 10 KVA का, जो कि आप लोग को मार्केट में इजिली 20 से 25 हज़ार में मिल जाएगा या आप लोग अपने नज़दीकी संपर्की आप लोग ऑपरेटर से बनवा भी सकते हैं। चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं कि इस सेटअप को कैसे ऑपरेट करना है, किस वाले एम्पलीफायर पे टॉप को कैसे कनेक्शन करना है और कैसे बेस को कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप के बारे में। तो गाइस यहाँ पर मेरा एक टॉप जो हो रहा है ऊर्जा का 1000 वाटेज का हो रहा है और उसका इम्पोर्टेंस आप लोग को 4 ओम देखने को मिल जा रहा है। तो हम लोग इस सेटअप में 4 टॉप यूज किए हैं। तो गाइस इस सेटअप में 4 टॉप यूज किए हैं तो 4 टॉप चलाने के लिए हमें बेस्ट क्वालिटी का एक एम्पलीफायर लिया है जो कि ऊर्जा का LX4500 वाटेज का एम्पलीफायर। तो मेरा जो यहाँ पर टॉप हो जा रहा है 1000 वाटेज का और उसका इम्पीडेंस 4 ओम देखने को मिल जा रहा है। तो जब दो टॉप को आपस में पैरेलल में कनेक्शन कीजिएगा तो वहाँ पे उसका इम्पीडेंस आप लोग को 4 ओम से 2 ओम हो जाएगा और उसका वाटेज आप लोग को 2000 हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मेरा जो एम्पलीफायर है 2 ओम पे 2250 वाटेज निकाल कर दे रहा है। तो गाइस ये काफ़ी बेहतरीन मैचिंग है कि 2000 वाटेज का आपका टॉप हो रहा है और एम्पलीफायर 2250 वाटेज दे रहा है। तो 200 और 300 वाटेज आप लोग को एक्स्ट्रा लेना चाहिए 2 ओम पे, क्योंकि गाइस 2 ओम पे एम्पलीफायर पे काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाता है और काफ़ी उसमें क्वालिटी नंबर 1 निकालने के लिए आप लोग को उसका थोड़ा सा वाटेज ज़्यादा छोड़ना ही पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर 2000 वाटेज का टॉपर है और उसमें 250 वाटेज ज़्यादा मिल रहा है, यानी 2250 वाटेज वो निकाल कर दे रहा है। तो काफ़ी ये परफेक्ट मैचिंग है कि एक चैनल पर 2 टॉप लगा दीजिए और दूसरे चैनल पर 2 टॉप लगा दीजिए, काफ़ी आप लोग को बेहतरीन साउंड क्वालिटी सुनने को मिल जाएगा। ना आपका एम्पलीफायर दबेगा और ना ही आपका टॉप जब दबेगा, क्योंकि गाइस 2000 वाटेज का आपका 2 टॉप हो जा रहा है और एक चैनल पर 2250 वाटेज निकाल कर दे रहा है। तो परफेक्ट मैचिंग है कि आपका जो स्पीकर है प्रोग्रामिंग पावर डबल वाला स्पीकर है, तो उसके चलते आपके स्पीकर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और काफ़ी आप लोग को लाउडनेस आवाज़ सुनने को मिल जाएगा। तो गाइस इस टाइप से आप लोग एक एम्पलीफायर पे 4 टॉप चला सकते हैं जो कि LX4500 वाटेज के एम्पलीफायर पे। अब गाइस हम बात करेंगे कि बेस को कैसे चलाएंगे। तो गाइस यहाँ पर बेस को चलाने के लिए हम MT1601 एम्पलीफायर लिए हैं, जो कि काफ़ी ये बेहतरीन एम्पलीफायर होता है। तो गाइस यहाँ पर जो मेरा एक बेस है जो कि डुअल बेस है, जो कि 4 ओम इम्पीडेंस का होता है डुअल बेस, और उसका वाटेज आप लोग को 2000 वाटेज देखने को मिल रहा है। तो मेरा जो एम्पलीफायर है 4 ओम पे 2250 वाटेज निकाल कर दे रहा है। तो एक चैनल पे एक डुअल बेस लगा दीजिए और दूसरे चैनल पे दूसरा डुअल बेस लगा दीजिए, क्योंकि गाइस ये परफेक्ट मैचिंग है कि 2250 वाटेज आपका एक एम्पलीफायर दे रहा है एक चैनल पे, तो वहाँ पे 2000 वाटेज का आपका डुअल बेस हो रहा है, तो 250 वाटेज बेस में आप लोग को ज़्यादा रहेगा तो काफ़ी आप लोग को हैवी पंच और हैवी थ्रो और हैवी वाइब्रेशन सुनने को मिल जाएगा। क्योंकि गाइस आपका एम्पलीफायर का वाटेज ज़्यादा रहेगा तो हैवी स्पीकर को खुलकर बजेगा और आपका स्पीकर बिल्कुल ही नहीं दबेगा और ना आपका स्पीकर जलेगा, क्योंकि इसका 2000 वाटेज का ये आपका बेस है, इसका प्रोग्रामिंग पावर आप लोग को 4000 देखने को मिल जा रहा है। तो इसके चलते आपका स्पीकर में भी प्रॉब्लम नहीं होगा और ना ही आपके एम्पलीफायर भी दबेगा। तो गाइस आप लोग इस टाइप से कनेक्शन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस सेटअप को लेने के लिए लगभग कितना प्राइस हमें लगने वाला है। तो गाइस इस सेटअप को लेने के लिए लगभग आप लोग को 4.5 लाख अप्रोक्स लगने वाला है। हो सकता है कि आपके मार्केट में 10,000 से 15,000 20,000 वहाँ पे डीलर के पास कम और बेसी हो जाए, बट गाइस यहाँ पर हम आप लोग को एक आइडिया बता रहे हैं कि आप लोग इस सेटअप को कंप्लीट करने के लिए 4 लाख 4.5 लाख के अमाउंट रख के बीच में चलना होगा, तभी आप लोग इस ऊर्जा का 4 टॉप और 2 डुअल बेस और फुल एम्पलीफायर के तरफ और जनरेटर के साथ भी आप लोग ले सकते हैं। तो गाइस ये सेटअप काफ़ी बेहतरीन है, जहाँ पर भी ये बजेगा काफ़ी बेहतरीन बजेगा, बिल्कुल आप लोग को छाती हिला देने वाला ये सेटअप है, काफ़ी बेहतरीन बजेगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लाइफ टाइम तक ये चलने वाला है। जो भी इसमें प्रोडक्ट बताएं आप लोग अगर उस प्रोडक्ट को लेते हैं उतने मैचिंग पे लेते हैं तो काफ़ी आप लोग को बेहतरीन लाउडनेस आवाज़ आप लोग को सुनने को मिल जाएगा।
दोस्तों आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर आपके भी मन में साउंड सिस्टम से रिलेटिव कोई भी सवाल है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।